अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أطباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह जल्ला शानहू दी जात अकदस वास्ते है। दरूदो सलाम आकाए कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम आजम इमाम कायनात इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन सैयदना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाति अक्दसु अतहरु आला और बाला वास्ते हजरात जी वकार अल्लाह रब्बुल इज्जत दा निहायत ही फजलु करम है। उदी तौफीक खास नल अज इस मुकाम ते जमा हुए हैं। दुआ करो अल्लाह ताला
मेरा और तुसा सारियां दा इस मुकाम ते जमा होना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। इश्तहारात दे जरिए तुसी अहबाब नूं इस बात दा इल्म है कि जिस मौजू दा मैनूं पाबंद कीता गया वो मौजू कबर और जहन्नम दे बारे है। हज़रते मोहतरम, इस दुनिया कायनात दे सारे लोगों नूं दो हिस्सों दे अंदर तकसीम किया जा सकता है। पहला उन लोगों का हिस्सा जिहड़े अल्लाह दे नेक बंदे ने और अपनी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे अहकामात दे मुताबिक गुजारने वाले, और दूसरा ग्रोह उन्हां लोगों दा कि जेड़े दुनिया दे अंदर अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे अहकामात दी नाफरमानी करदे रहे और अमाल सैया करदे रहे। मरना नेकां ने भी है ते मरना बुरिया ने भी। नेक उन्हों भी मौत आएगी जिन्हें अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे अहकामात नू मने, ते मौत उहदे ते भी आएगी। मौत उस आदमी ते भी आएगी जिन्हें अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे अहकामात नू नहीं मने। असल अंदर मैं ये बात की वजाहत नहीं करना चाहता, मेरे बोलन तो या मेरे अंदाज तो तुहानू महसूस हो गया होगा कि मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं, लेकिन साड़ियाँ शायद कोई मजबूरियां नहीं समझदा, वल्लाहु आलम। बहरहाल हजरात मोहतरम, जेड़े नेक लोग ने वो मरण तो बाद कबर तो हुंदिया होया सीधे जन्नतुल फिरदौस अंदर जाणगे, और जेड़े बुरे लोग ने वो भी कबर तो हुंदिया होया सीधे जहन्नम दे गड़े दे अंदर जाण। जिवें मरना नेकां ने भी है ते बुरियां ने भी है, एवें कबर अंदर नेकां ने भी जाना है ते बुरियां ने भी जाना है। ठिकाने अलग अलग होणगे ते वो मैदान महशर तो बाद। नेक लोग भी कबर अंदर ही जाणगे और बुरे लोग भी कबर अंदर जाणगे। और ये भी याद रखो कि जेड़ा भी बंदा दुनिया छड़ करके जांदा है, चाहे वह किसी समंदर दे अंदर डुब के मर जाए, कबर दे मामलात उहदे उत्ते भी पेश कीते जांदे। अगर कोई आदमी किसे जगह तो गिर के मर जाए और उहदी लाश नू कोई ना उठाए, वह जिथे भी उहदी लाश पई है ओहो ही जगह उहदी कबर है, और उस जगह ते उहनू कबर दे सवालो जवाब दा मामला भी उहदे ते पेश आंदा है, और अगर वह बुरा है तो उहदे ते अजाब भी पेश कीता जांदा है। जबकि बाद लोगों का यह नजरिया है और बातल नजरिया कि जनाब कबर अंदर अजाब कोई नहीं, जरा कबर अंदर अजाब की गल बनाइए इन्हें अपने को बनाइए, कबर अंदर अजाब नहीं होंदा, इहदा जिक्र कुरान पाक अंदर मौजूद नहीं। हजरात जी वकार, किसी भी मसले नू साबित करने वास्ते अल्लाह दे कुरान नू वेखना पैंदा है, नबी पाक दे फरमान नू देखना पैंदा है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम बगवी अहादीस दी मुख्तलिफ किताबां दे अंदर असबात अजाब कबर दे मुतालिक बाब मौजूद ने, जिन्हां तो साबित हुंदा है कि कबर दा अजाब बरहक है और हर गंदे बंदे नू कबर अंदर अजाब दिता जांदा है, लेकिन साडिया नजर तो ओझल है। अल्लाह ताला मैनू और तुसा सारियां नू कबर दे अजाब तो महफूज फरमाए। कुरान पाक अंदर अल्लाह ताला ने अजाब कबर दे मुतालिक एक आयत अंदर अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र फरमाया है। आइए अल्लाह दे कुरान ते तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए।
मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारे ओदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। मेरे यार तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद आका दा नाम आवे दरूद मोहब्बत नल पढ़िए जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर दे सीना पाक दे नादल खुण वाला अल्लाह दा कुरान बयान कर दे फरमाया अन्नारु युरजूना अलैहा गुदुवं वाशिया। फरमाया आले फिरौन अल्लाह ताला ने समंदर दे अंदर पानी दियां लहरां दे अंदर डूब करके मौत दे घाट पहुंचाया अल्लाह उन्हां दे मर जान तो बाद फरमाया अन्नारु युरजूना अलैहा उन्हां दे सुबह दे वक्त भी अग पेश की जाती गे और शाम दे वक्त भी उन्हें अग पेश की जाती गे फिर कयामत दा दिन भी आएगा और जदो कयामत दा दिन आएगा ते आले फिरौन आखिया जाएगा फिर आम और फिर आम दे फौजियां नु आखिया जाएगा अजाब अंदर चले जाओ जहन्नम दे गड़े दे अंदर दाखिल हो जाओ। हजरात तेजी वकार पहले जुमले दा ताल्लुक दुनिया नाल यानी कबर दे अजाब नाले और जनाब अगले जुमले दा ताल्लुक कयामत तो बाद वाले अजाब नाले। अल्लाहु अकबर लाओ लिहाजा कुरान पाक अंदर ला रब्बुल अपने इस बात की वजाखत फरमा दी गई कि हर गंदे बंदे नु कबर अंदर अजाब दिता जांदा है। अगर वो समंदर जंदर पे आए ते समंदर अंदर कबर दा अजाब नु पहुंचाया जा रहा है। अगर वो किसी पहाड़ा दे अंदर दी लाश पई गए उस जगह ते नु अजाब दिता जा रहा है। अगर वो दी मैयत नु कबर अंदर उतार दिता गया है तो कबर दे अंदर अदाब दिता जा रहा है। मेरे यार तुसां दे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दी ज़ौजा मोहतरमा सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा अल्लाहु अकबर अपने घर अंदर मौजूद ने एक यहूदन लड़की हज़रत आयशा सिद्दीका कोल आईए कुछ गल बाता करन तो बाद जदो वापस जान लगी है ना ते जांदी जांदी कहंदी के आदा किला हुमिन अजाब दिल कबर आदा किला हुमिन अजाब दिल कबर। ऐशा अल्लाह ताला तेनु कबर दे अजाब कुड़ महफूज फरमा लवे। सय्यदा फरमादियां ने मैं हैरान हो गई कबर दे अजाब दे मुतालिक मैं हैरान हो गई। इन्नी देर तक नबी पाक अलैहि सलातो सलाम घर तशरीफ लै करके आए मैं अर्दा कीतियां महबूब सुनिया यहूदन लड़की मेरे कोल उठ करके गई गे और जांदी जांदी कह गई गे आहादा किला खुमिन अजाब कबर अल्लाह तुहानू कबर दे अदाब कुल महफूज फरमाए। महबूब जी क्या वाकई कबर अंदर अदाब दिता जांदा है गंदे बंदियां नू? मेरी आका फरमाते ने इन्ना अजाब अल कबर हकुन ऐशा गल सुन कबर दा अदाब बर हक अदा दे कबर दा अदाब दे यकीनन अदा दे हर गंदे बंदे नू कबर अंदर अजाब दिता जांदा है। अल्लाहु अकबर तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर करना दराओ मेरी गौर तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना खदरा ते इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमादे ने
एक दिन नबी पाक चल दे जा रहे ने, चल दे जा रहे ने, अचानक कुछ कब्र आ गईया। मेरे महबूब न कब्रां दे कोल उतर गए, खड़े हो गए। आका फरमाते ने इन्ना खुमा ये जड़िया दो कब्रां ने ना, दोवां कब्रां वालियां नू अजाब हुंदा पियाए। जबरील अमीन दे जरिए मेरे पैगंबर तक खबर आई गए, इन्हां दोवां कब्रां वालियां नू अजाब दिता जा रही है। और फरमाया बामा यो अज़ाबान मिन कबीरन, इन्हां दोवां कब्रां वालियां नू अज़ाब किसे बड़े गुनाह दी वजह तो नहीं हुंदा पियाओ, यानी जेड़े ये गुनाह करदे सन इन्हां गुनाहां नू ये बड़ा नहीं सन समझिया करदे। सुन के लै जाना, याद करके लै जाना, तवज्जो नाल दिल दियां तख्तियां ते लिख करके लै जाना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, खदरा तेजी वकार गौर करना। डराओ इन्हां दोवां गुनाहां नू एक कब्र वाले बड़ा गुनाह नहीं सन समझिया करदे, हमें छोटा जा गुनाह समझिया करदे सन। और मैं यकीन नाल गल कह रहा वां, अज भी साडे मुआशरे दे अंदर इन्हां दोवां गुनाहां नू छोटा गुनाह समझिया जांदा है, हल्का गुनाह समझिया जांदा है। या जांदा यार ये भी कोई गुनाह है, किहड़ा किहड़ा गुनाह सुनाओ। आका फरमांदे ने इन्हां दोवां कबरां दे विचो एक कबर वाला बंदा यमशी बिन नमीमा, फरमाया बंदा चुगलियां करया करदा सी, ए बंदा जबान च चुगलियां करया करदा। ऐदी गल सुनी, कोलो चार बदा करके अगले नु सुना दिती, उन्हें सुनी ओदे कोलो चार सुन करके होर अगे बदा करके बयान कर दिती। या सुबह सुबह बेदार होया ते उठिया, उठ करके अपना मोबाइल ऑन किया, वेखिया मैसेज आ गया है। जल्दी नाल मैसेज खोलिया ते पढ़दा है, वो फलां जिहड़ा मखल्ले दे अंदर बंदा रहिंदा है, रात ओहदे घर अंदर ए मसला बन गया है। इहने छेती छेती मैसेज वाला जनाब पैकेज किया और करके वंडणे शुरू कर दिते ने, पूरे इलाके दे अंदर मैसेज उड़ा दिता है। फलां बंदे दे घर अंदर रौला बन गया जे, फलां बंदे दे घर अंदर मसला बन गया जे। ते जो शाम पईए ते किसे बंदे नू मिलिया, पता लगा, उहनू कहंदा यार मैनू मैसेज आया सी फलां बंदे दे घर आ कम हो गया है। वह कहंदा नहीं यार ते सारी गल झूठ दे, ते हकीकत है ही कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, चुगली नहीं तो और क्या कहे, ये अगले दी इज्जत नू पामाल करना नहीं तो और क्या कहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह हल्का जा गुनाह समझिया जांदा है, माड़ा मोटा गुनाह समझिया जांदा है। इधरों मैसेज आया, चार गल्लां अपने कोल रड़ा के उड़ा दितियां और जनाब फैला दितियां, पूरे इलाके अंदर अपने मुसलमान भाई दी बदनामी कर दित्ती। शाम नूं पता लगा गल ही झूठी सी, मैसेज ही कोलों बनिया सी, एवें आ गया सी। हजरात ते जी वकार, असी छोटा गुनाह समझने आ, असी हल्का गुनाह समझने आ, असी मामूली गुनाह समझने आ। मैं कोलों गल नहीं कर रहा, मेरे पैगंबर दा सही फरमाने, सही सनद नाल नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम तो यह रवायत साबित है। मेरे पैगंबर ने फरमाया इस बंदे नू कब्र अंदर अदाब हुंदा पिया ते सिर्फ और सिर्फ जबान चो गंदियां चुगलियां दी वजह तो हुंदा पिया है। चुगलियां करने आ के नहीं करदे, खरे किन्नियां चुगलियां। दो बंदे टुरे जाणगे ना ते पिछे खलो कहेगा दूसरे नू ए मेरे बारे झगड़ा मार दे पई, वो भावे बेचारे केड़ी गल करते हो। हजरात ते जीवकार आइए, कुछ अमली जिंदगी भी बनाइए। इन्हां जलसियां दा मकसद हा हा ते हू हू नहीं, इन्हां जलसियां दा मकसद अमल है। सुबह तो लग के शाम तक तुसी मेहनत मजदूरी कर दियो और फिर शाम तो लग के सुबह तक साडे सामने बैठ दियो, की लै करके जान दियो। अगर कुछ लै करके नहीं जाना, क्या फायदा जलसा सुनन दा ते जलसा करवान दा। इस वास्ते अपनी जिंदगी दे अंदर किसे जलसे दे अंदर आओ, कल तुहाडे अंदर कोई तब्दीली आए, कल तुहाडे अंदर कोई फर्क आए। ते जे पहले भी दाड़ी मुन्ना, बाद विच भी दाड़ी मुन्ना, पहले भी गाणियां दा शौकीन, बाद च भी गाणियां दा शौकीन, पहले वे सूदी कारोबार करने वाला, बात भी करने वाला, क्या फायदा जलसा सुनने का।
अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ मेरे पैगंबर ने फरमाया दोवे गुनाह सुन वाले जे बड़े साडे अंदर मौजूद ने बड़े ज्यादा मौजूद ने अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो नाल सुन के लै जाओ गल्लां फरमाया एक कब्र वाला बंदा ये गीबत करिया करदा ते चुगलियां करिया करदा अच्छा महबूबा ते जिहड़ा दूसरा बंदा है ओनू कब्र अंदर अदाब का तो पिया खुंदा जरा तवज्जो नाल सुनिया जे गल अल्लाहु अकबर लाओ अगर मेरी पूरी तकरीर ते तवज्जो ना करो तुहाडी मर्जी कोई गल नहीं लेकिन इस गुनाह ते तवज्जो करिया जे गौर करिया जे दराओ ये साडे मुआशरे दे अंदर बड़ा आम हो चुकी है मेरी आका फरमा देने वा अमल आखर फरमाया ऐ जड़ा दूसरी कबर वाला बंदा है इहनू कबर अंदर अदाब तां कुंदा पिए ये पेशाब दे छिटियां तो बचिया नहीं सी करदा ये पेशाब करन वास्ते बैठदा इहदे जिस्म उत्ते जनाब छिटे पै जांदे इहदे कपड़ियां ते पेशाब दे छिटे पै जांदे अल्लाहु अकबर लाओ एक और रवायत गौर करना मरिया का फरमा देने आक सारू अजाब कब्र मिन अल बौल फरमाया कायनात दे लोगो अक्सर लोगों नु कबर अंदर अदाब खुंदा ते पेशाब दे छिटियां तो ना बचन दी वजह तो हुंदा है वीर सुनियो किन्निया करके बैठियो किन्ना ए तमाम करनिया इना गल्लां दा किन्ना कुछ सोचने पाकी दा अल्लाहु अकबर हुण ते घर दे अंदर एक जनाब बाथरूम बनाया है जिहदे ते लख रुपया खर्चा कर दिता है बड़िया जबरदस्त टैलां लगा दित्तियां ने उस टैल उत्ते पानी दा एक कतरा डिगदा है ते डिगण तो बाद कईआं कतरियां दे अंदर बदल करके जिस्म उत्ते आ करके पैंदा है अल्लाहु अकबर अल्लाह कदी अपनी तहारत दा भी ख्याल कीती कदी अपने बदन का भी ख्याल किया मेरे महबूब अलैहि सलातो सलाम ने आदाब सिखाए ने और वीरो जिस पैगंबर का कलमा पढ़िया है उस नबी ने की नहीं सिखाया हर एक गल समझाइए हत्ता के नबी पाक ने बैतुल खला की दुआ भी दसीए ते बैतुल खला दे आदाब भी सिखा दिते ने फरमाया मेरी उम्मत दे लोगो गल सुनो ना जदों भी तुहाडे विचों को बैतुल खुलाम दर जाए जान तो पहला जिन्ना ते जिन्निया कुलो पनाह मांग लिया करे अल्लाह दी पनाह अंदर आ जाया करे और जबान चो कह दिया करे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस दरिया का फरमा देने अक्सर नापाकी वाली जगह ते जिन्नात ते जिन्निया खबीस मौजूद हुंदे ने जेड़े इंसानां नूं तंग करदे ने परेशान करदे ने अल्लाहु अकबर ए अमूमन साडे घरां दे अंदर साडियां मावां भैणां तहारत दा ख्याल नहीं करदियां नतीजा कि निकलदा है घर अंदर जन्नात दा साया खो जांदा है हर घर अंदर जनाब खून दे छिट्टे पैण लग जांदे ने हर घर अंदर मावां भैणां डरन लग जांदियां ने हजरत ते जीवकार मैं रब्बे काबा दी कसम उठा करके कहना अगर अपने घर अंदर तहारत दे तमाम कर लिया जाए और 41 दिन सूरह बकरा दी तिलावत कर ले जाए घर विचो जन्नत दा सर कयामत तक निकल जाएगा लेकिन तेरा यकीन होवे ते तां ओ जेड़ा बण थल्ले बैठे ओदे ते तेनू बड़ा यकीन है ओ जेड़ा तोते रख के ते किस्मत पुड़ियां कढ़दा ओदे ते तेनू बड़ा यकीन है ओ जेड़ा कब्र ते मजावर बण के लम्मियां लटां बणा करके बैठा है ओदे ते तेनू बड़ा यकीन है ओ तेनू मजावरात ते यकीन है ओ तेनू पीरात ते यकीन है ओ तेनू इमाम दे डाकूआत ते यकीन है हाय तेनू यकीन नहीं ते रब दे कुरान ते यकीन नहीं पैगंबर दे फरमान ते यकीन नहीं कईयां बंदे आख्या जनाब साडे घर अंदर मसला है अगो आख्या यार तुसी 41 दिन सूरा बकरा सूरा बकरा एडी लंबी सूरा बकरा किवें पढ़िए नहीं पढ़ी जांदी अपने इमाम दा बेड़ा गर्क करवा लेना काले इलम कुल जा करके रब दे कुरान दी तिलावत नहीं करनी घर अंदर कुरान पाक नहीं पढ़ना आओ हजरत तेजी वकार अपने घर अंदर नबी पाक ने की फरमाया फरमाया ला तजालू बुयूतकुमुल मकाबिरा
फरमाया अपने घरां नूं कब्रिस्तान ना बनाओ, का घरां दे अंदर कुरान दी तिलावत करया करो। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह। तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ। मेरे पैगंबर ने फरमाया आका फरमाते ने अक्सर अजाब कब्रदान बंदियां नूं खुंदे ते सिर्फ और सिर्फ पेशाब दे छिट्टियां तो ना बचण दी वजह तो खुंदा है। एक और हदीस मेरे ज़हन अंदर आ गई है, देते भी गौर करना डराओ। मेरे आका फरमांदे ने जिहड़े तुहाडे तो पहले लोग गुजर चुके ने ना वो की करया करदे सन, अगर जिस्म दे कपड़े दे किसे हिस्से ते नजासत लग जांदी, फरमाया काराजू हो बिल मकारीज, फरमाया कपड़ा उथो कट करके सुट देते ता कपड़ा पाक हुंदा। उस अल्लाह दा कितना करम है जिस रब ने इस उम्मत वास्ते पानी ताहर भी बनाया है, मुताहर भी बनाया है, खुद भी पाके पानी ते अगे भी नजासत नु पाक करदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। इस वास्ते कदरा तेजी वकार दो गुनाहों तो बच के रहना है। एडन अंदर ते चुगली नहीं करनी जबान नदरो, जदो बोलना सच बोलना है, जदो गल करनी है चंगी गल करनी है। मेरी आका फरमाते ने फालिया कुल खैरन औलिया समुत, फरमाया बंदे या गल चंगी करिया करते या चुप कर जाया कर, भैड़े बोलन नालों चुप चंगी गे। हर दूसरे नंबर ते अपने जिस्म ते नजासत नहीं लगन देनी, पाकीदगी दे तमाम करना है। इस मेरे पैगंबर ने फरमाया मामा भैणा वास्ते नबी पाक दी हदीस जरा सुन वाली है। मेरी आका फरमाते ने युग सालो में बउल जारिया वायु रशू में बउल गुलाम, घरां दे अंदर मामा भैणा ने बच्चे उठाने खुंदे ने, अक्सर बच्चिया ने पेशाब कर लिया खुंदे। मेरे महबूब ने अपनी उम्मत वास्ते आसानी बना दिती है, फरमाया युग सालो में बउल जारिया, फरमाया अगर कपड़िया ते या चार पाई ते या बिस्तर ते या घर दे किसे भी जगह ते अगर लड़की ने पेशाब कर दिता, बच्ची ने पेशाब कर दिता है, फरमाया युग सालू उस कपड़े नु धोया जाएगा, युग सालू उस चार पाई नु धोया जाएगा, युग सालू उस लिबास नु धोया जाएगा, युग सालू उस दुपट्टे नु धोया जाएगा। वायु रशू ने बहुल गुलाम ने, अगर कपड़े ते पेशाब बच्चे ने कर दिता, यानी लड़की ने नहीं लड़के ने कर दिता, बेटे ने कर दिता है, फरमाया युरशू वो जो ते पानी दे छट्टे मार दियो, कायनात दा रब कपड़ा पाक कर छड़ेगा, कायनात दा रब नजासत खत्म कर देवेगा। लेकिन उदो तक जदो तक बच्चा कोई गिदा मां दे दूध तो इलावा कोई होर नहीं खांदा, उदो तक ए अमल है। ते जदो बच्चा मां दे दूध तो इलावा कोई और गिदा भी खान लग जाए, फिर जिवें बच्ची दे पेशाब नु धोया जाएगा, एवें बच्चे दे पेशाब नु भी धोया जाएगा ते कपड़ा पाक कीता जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरात ते सी वकार कब्र अंदर सवालो जवाब आप दी भी नशिस्ते पुछिया जांदा, मर रब्बू का दस तेरा रब कौन है, मर रब्बू का दस तेरा रब कौन है। हजरत तेजी वकार पुछिया जांदा, मन नबीयो का तेरा नबी कौन है, मा दीनू का तेरा दीन की गे। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना हजरत, तीन चीजा, पहले नंबर ते अल्लाह दे मुतल्लिक सवाल है, दूसरे नंबर ते नबी पाक दे मुतल्लिक सवाल, तीसरे नंबर ते दीन इस्लाम दे मुतल्लिक सवाल है। तुसी सारे आ करके बैठे हो, पता नहीं दोबारा कट्ठे होने का मौका मिले के ना मिले। मेरे नौजवान भाई भी बैठे ने, नौजवान ने जड़े अपने मैट्रिक की सनद हासिल करने वास्ते तीन बजे मस्जिद की पहली सफ से बैठे होंगे ने, ज
जिनी देर तक एग्जाम ने उन्नी देर तक मस्जिद दे अंदर ने एक सवाल की खातर एक सवाल की खातर पता नहीं की कुछ करते फिर देने। वीर जी अपने गिरेबान अंदर नजर पा करके बेखदरा वो जदों छोटी जी कब्र खोएगी जिद अंदर करबट भी नहीं बदली जाएगी। जिस कब्र दे पहले सलैपा रखिया जानगिया ते फिर मना दे मन मिट्टी सुट दी जाएगी और फिर अंधेरे दे अंदर जे कफन चिट्टिया चादर दे अंदर तेन छुपाया होएगा। दो फरिश्ते आने वाले पुछणगे ते त्रै सवाल करनगे दस तेन याद ने कि नहीं याद ने। रटे लाण नाल याद नहीं खोने बल्कि अकीदा बनाण नाल याद खोणगे। मर रब्बू का तेरा रब कौन है ये ओ कोई जवाब दे सकेगा जड़ा रब नू रब मन के सजदा कले रब नू करदा रिया है। रब नू रब मन के मुश्किल कुशा रब नू कहंदा रिया है। रब नू रब मन के हाजत रबा रब नू कहंदा रिया है। रब नू रब मन के गौसिया दम ते दस्तगीर ते दाता बिगड़ी बनाण वाला ते लजपाल ते लेखा च मेखा मारन वाला दुबियां तारण वाला इज्जत ते जिल्लत दे फैसले करन वाला। अगर रब नू मानदा रहे कयामत वाले दिन जो होएगा वो होएगा। जदों कब्र अंदर जाएगा इस सवाल दा जवाब आते ही ठीक देवेगा। पूछा जाएगा मन्नत दियो का वा दस तेरा नबी कौन है। रट्टे लाण नाल उत्थे जवाब नहीं आएगा बल्कि नबी पाक दी रसालत नू मन्या गल बनेगी। नबी पाक दी रसालत नू मन्नन दा मतलब की गे अल्लाह दे नबी भी ने अल्लाह दे नबी रसूल भी ने ते अल्लाह दे बंदे भी ने बस मान लिया रौला मुक गया। ना ना कदरा तेजी वकार हर गल मेरे पैगंबर दी जबान चो निकल वाली ओदे ते अमल करना पवेगा। वीर जी हुण गुस्सा आएगा तेनू मेरिया गलां दा मेरे पैगंबर दी सुन्नत दा कतल भी करना है। हुरमत रसूल दे नारे भी लगाने अल्लाहु अकबर अपने बेटे दे साल गिरा दा केक भी कटना है। हुरमत रसूल दा नारा भी लगाने अपने मकाम दी छत ते डक रख के गद्दियां कंजरियां दे मुजरे भी सुनने। हुरमत रसूल दा नारा भी लगाने वैलेंटाइन डे ते जनाब इज्जत अप्रैल फूल भी मनाने। हुरमत रसूल दा दावा भी करदा पियाए वो मैं पूछना चाहना सवाल करना चाहना गाने भी सुने पैगंबर दाशक भी क्या लवाए और मुजरे दी देखे पैगंबर दाशक भी क्या लवाए पैगंबर दी सुन्नत दा कतल भी करे अपने आप नू नबी पाक दा आशिक ते मुहिब भी क्या लवाए नबी पाक नू छड़ के इमामा ते पीरा ते मुफ्तियां ते दरवेशा ते तगूता दियां गल्लां भी मन्ने अपने आप नू खुरमत रसूल तो फिदाकारी भी बनाए। कसम है पैदा करने वाले परवरदिगार दी जबान चो सुके दावे नाल गल नहीं बने गी। रसालत दा तकादा ओदा पूरा होएगा जदों नबी दी जबान चो निकल वाले हर जुमले ते तू अमल करके दिखाएगा। अमल ते तेरा है कोई नहीं। शाह साहब तशरीफ ले आए हुण थोड़ी देर तो बाद इन्हां दा खिताब होएगा। ओ जिवें मौलाना बलोच साहब दी गल सुना रहे थे ना मौलाना मंदूर साहब के दो शेर ने ते मैं विच असल च हुण मैं वी इन्ने जणियां दे विच मैं माड़ा जिहा बंदा बहरहाल। अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना जरा गौर करना मैं जिन्हां बातां दा जिक्र कर रहा। अल्लाह अकबर अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रसालत नू मन्नण दा और रसालत दा तकाजा ए है कि नबी पाक दी जबान चो निकली हुई हर गल ते अमल कीता जाए। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर करना दराओ। एक और सवाल कीता जाएगा और आखिया जाएगा तेरा दीन केड़ा है। दीन दे मुतल्लिक दसनाओ दीन मेरा तेरा इस्लाम है। हजरा तेजी वकार इस्लाम तकादा की कर दे इस्लाम तकादा ही नहीं कर दा। सफी करते खलो करके इस्लाम 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 की जाओ बैनरा ते लिख करके इस्लाम इस्लाम ला दियो इश्तिहार टंग दियो पूरे पाकिस्तान अंदर इस्लाम इस्लाम दे इस्लाम तकादा नहीं कर दा। और पूरे पाकिस्तान दी गल बात अंदर इस मजमे दी गल बात अंदर और वीर जी बैनरा दी गल बात अंदर पहले इस्लाम अपने छे सत फुटे वजूद ते नाफद करना पवेगा।
तेरे 6-7 फुटे वजूद ते तिसलाम मौजूद कोई नहीं। बैनरा ते टंगी फिरना है जनाब, शहर ते बाजार भरी फिरना इस्लाम नाल, जेड़े तेरे अंदर इस्लाम मौजूद कोई नहीं। तू कादा इस्लाम है, इस वास्ते दीन अल इस्लाम। अगर जवाब दुरुस्त चाहना है फिर इस्लाम दे तकादियां नु पूरा करना पवेगा। अगर चंगा कोईगा ते कबर चंगी मिल जाएगी, अगर बुरा खोएगा ते कबर अंदर अदाब बड़ा खोएगा। ये जिक्र करम दा जनाबे उलमाए कराम बयान कर दे रहे ने। मैं अगे गल चलावा, अल्लाह अकबर। कयामत दा दिखाड़ा हशर दा मैदान है, दो गुरो ने जंतियां दा ते जखमियां दा, जंती जन्नत अंदर ते जखमी जखन्नम अंदर। मुस्लिम शरीफ दी रवायत है, फरमाया युता दी जखन्नम लहा सबऊना अल्फाज माम। फरमाया पूरी कायनात दे लोग खड़े खोड़ गए, अचानक अल्लाह ताला अपने फरिश्तियां नु आदर करनगे। मेरे फरिश्तो दरा जहन्नम नु लै करके आओ नाओ, 70 खदार जंजीरां ते संगड़ां दे अंदर जकड़ करके जहन्नम नु ले आंदा जाएगा। हजरत जीवाकार मेरे पैगंबर ने फरमाया, ए वक्त ओ वक्त होएगा के जद रब दे नबी भी वेखो करके कहन लग पैणगे, रब दे नफसी नफसी, रब दे नफसी नफसी, रब दे नफसी नफसी। एडा पुर खतर वकत होएगा जदो जखन्नम तारे मार दी नजर आएगी। अल्लाह दा कुरान बयान कर दे, फरमाया इन्ना जहन्नम कानत मिर सादा लिता गीना मा आबा। फरमाया इंज करके जिमें को दुश्मन किसे दी गात अंदर खड़ा हुंदा है, जहन्नम गात ला करके खड़ी होएगी मुजरमा दी। कोई मुजरम आवे ते मैनू अपने अंदर सुट लवाओ, कोई शराबी दायमी आवे मैनू अपने अंदर सुट लवाओ, कोई बिदती पक्का आवे मैनू अपने अंदर समा लवाओ, और परले दर्जे दा मुशरक आवे मैनू अपने अंदर सुट लवाओ। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर ने फरमाया, आका फरमा देने जहन्नम दी गहराई इतनी ज्यादा है, फरमा कर जहन्नम चोटी ते का पत्थर सुटिया जाए वो दे जखन्नम दे आखरी तह तक जांदियां 70 साल लग जाणगे। 17 सालां तो बाद वो जनाब पत्थर जहन्नम दी तह अंदर पहुंचेगा। इतना गड़ा सख्त जखन्नम दा, इतनी शदीद जखन्नम है। अल्लाह अकबर। और जहन्नम दी आग दा रंग स्याक है कदरा तेजी वकार। अल्लाह अकबर। हर दुनिया दी आग नालों 70 गुणे ज्यादा तेज जखन्नम दी आग। हदीस पाक अंदर आंदा है, मेरी आका फरमाते ने जहन्नम दी आग ने अल्लाह दी बारगाह अंदर शिकवा कर दिता है, अल्लाह सुनिया मेरा बाद बाद नू कटी जा रहा ते खादी जा रही है। अल्लाह ताला ने 2 साल लैण दी जखन्नम नू इजाजत दिती है, एक सा ठंडा ते एक सा गर्म है। पर मैं जदो तुहाडे माशरे दे अंदर सर्दी आ जांदी है, वो जखन्नम दे ठंडे सांस दी वजह तो होया कर दी है। पर मैं जदो गर्मी वाके हो जांदी है, हुण ते मौसम नॉर्मल है, जरा कुण तो महीना पिछे चले जाओ एक लाइट कोई नहीं, हर दूसरा जनाब गर्मी दी हिद्दत ते शिद्दत इतने ज्यादा, अस्पताल भरे पैने बीमारां दे नाल, हर जनाब घरां दे अंदर मरीज गर्मी दी वजह तो बिलक दे नजर आंदे ने। ऐ जनाब गर्मी दी ताब ना लांदियां मर्द नजर आंदे ने। हजरात ते जीवकार जखन्नम दे सांस दी गर्मी इतनी है, आप अंदाजा लगाओ जहन्नम कितनी गर्म होएगी। जिस जहन्नम दा एक सांस बर्दाश्त तो बाखरे, वो जखन्नम आप कितनी गर्म होएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह दुआ कर या कर, अल्लाह मैनू ते तेनू जखन्नम दी अग कोलों महफूज फरमा लवे। गौर करना कदरा तेजी वकार, तवज्जो करना दरा, मेरी गर तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने जड़ा जखन्नम दे गड़े विच सुट दिता जाएगा, जड़ा जखन्नम दी आग विच सुट दिता जाएगा,
वो जल जाएगा ते सड़ जाएगा ते बुरा हाल हो जाएगा। हर मारे प्यास दे पानी दा सवाल करेगा बाद लगाएगा अन्ना फीजू अलैना आमिन अल्मा। बल्कि का नक्शा सूरह अल मुद्दसर दे अंदर मौजूद है। जंती जखनमिया कुड़ सवाल करनगे मा साला का कुम फी सकर जहन्नम दे गड़े बेच आन दी वजह की गे। दूसरा कुरान दा मुकाम है जहन्नमी अगो ए नहीं कहणगे वजह नहीं दसणगे बल्कि कहणगे अन अफीजू अलैना मिन अलमा। वो जंती शहजादियो ते नवाबो बाकी सारिया गल्ला बाद अंदर करांगे। कोई जन्नत दे विचो को पानी कतरा कोई दो कतरे मौजूद ते सानू पिला दियो। असी ते जदो ते जखन्नम दे अंदर आए हां सड़ गया गंदर पानी पीनू नहीं लभदा पिया। अल्लाह वालों वादा आ जान गियां। अल्लाह फरमान गे ओ जन्नतियो मैं जखन्मिया ते जन्नत दा खाना भी हराम कर दिता ते जन्नत दा पीना भी हराम कर दिता है। इन्हां नूं ना जन्नत दा खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। जहन्मी कहण गल्ला प्यास नाल मरदे पया की करिए की चाहिए। अल्लाह फरमान गे अल्लाह फरमाया फिर दो चीजां जखन्मिया नूं पीण वास्ते दित्तियां जाण गियां। एक दा नाम हमीम है दूसरे दा नाम गसाक है। हमीम किन्नू कहा जांदा तवज्जो करना दराओ। मुस्लिम दी रवायत मेरी और तुसां दे पीर मुर्शद जनाब दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आका फरमाते ने जिहड़ा बंदा दुनिया ते शराब पींदा पींदा बगैर तौबा ते मर जाएगा उस बंदे नूं जहन्नम दे जिस्म विचों निकलण वाला पसीना जहन्नम दे कोड़ियां ते गरम करके ते उबाल करके खोलदा होया प्यालियां च डाल के दिता जाएगा। फरमाया इतना गरम होएगा जदों जखन्मी उहनूं अपने मुंह दे करीब पीण वास्ते करेगा ते दे होंठ इंज को जाणगे जिवें ऊंठां दे होंठ होया करदे ने। इतने बड़े बड़े होंठ हो जाणगे। अल्लाह कुरान कहंदा या ता जर्रा उहू होंठां छोटा छोटा कुट करके अपने पेट अंदर उतारन की कोशिश करेगा। कुरान कहंदा का गल ये हमीम है। हमीम दा पहला कुट जदो जखर्मी दे पेट अंदर जाएगा पेट दियां अंतड़ियां इंज उबलणगियां जिवें हंडिया ते प्या होया पानी उबाले खांदा है। अल्लाहु अकबर। दूसरे नंबर ते जहन्मी नूं गसाक पिलाया जाएगा। मुसनद अहमद दी रवायत गसाक किन्नूं कहा जांदा है। फरमाया जखन्मिया दे जख्मां दे विचों निकल वाला खून पीप गंद तेरे शाओ उहनूं गसाक कहा जांदा है। फरमाया लऊ अन्ना दलब मिन गसाक युहराकु फिद दुनिया। फरमाया अगर एक बर्तन गसाक दा भर लिया जाए और पूरी दुनिया ते लिया करके डाल दिता जाए पूरी दुनिया चो बदबू इन जाए जिवें किसे मुर्दार दे जिस्म विचो बदबू आया कर दिए। अल्लाहु अकबर। लाओ हजरात ज़ीवकार हाथ बन के दुआ करिया कर। अल्लाह मैनू ते तेनू जखन्नम दी अग कोल महफूज फरमा लवे। दो बंदे जिदे ने वक्त दी किल्लत दे पेश नजर गल जल्दी मुकाइए। दो बंदे जिदे ने जेड़े जखन्नम दे गड़े दे विच जाणगे ते बाहर नहीं कढे जाणगे। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब दे वल मुशरिकीना फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा। फरमाया एक काफिर ते एक मुशरिक बंदा। मुशरिक कौन है? खालिके कायनात नाल शिरक करन वाला। काफिर कौन है? आयतुल्ला दा इनकार करन वाला। फरमाया है दो बंदे जखन्नम दी अग विच सुटे जाणगे ते दोबारा बाहर नहीं कढे जाणगे। हमेशा जखन्नम दे गड़े दे अंदर। काफर भी हमेशा जखन्नम दे गड़े दे अंदर। मुशरिक भी हमेशा जखन्नम दे गड़े दे अंदर।
अल्लाह अकबर होर भी कई बंदे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह मैं जरा मुख्तसर कर रहा हूं इस वास्ते आइए कदरा तेजी मकार अल्लाह को डर जाइए और अपनी कबर दाते अपने जनाब हशर ते नशर दा फिकर कीजिए। मेरे पैगंबर दुआ पढ़िया कर दे सन अल्लाहुम्मा इन्ना नऊजु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व नऊजु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व नऊजु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। फरमाया अल्लाह को पनाह मंगिया करो अज़ाबे कब्र तो, हाल के कायनात को पनाह तलब करिया करो जहन्नम दे अज़ाब तो, फितने दज्जाल तो भी पनाह तलब करिया करो। और मेरे पैगंबर ने फरमाया आका फरमाते ने जहन्नम दी आग को जदो भी पनाह मंगो एक दफा ना मंगो तीन दफा पनाह मंगो और कहो अल्लाहुम्मा अजरना मिनन्नार अल्लाहुम्मा अजरना मिनन्नार अल्लाहुम्मा अजरना मिनन्नार। त्रै दफा पनाह मंगिया करो। सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा अज करके घर बैठिया ने ते रो रही ने। नबी पाक करे सलातो असलाम आए हका फरमा दने आशा मा युब की के क्यों रोंदी पेंगे। हजरत आशा अर्ज कर दिया ने जकर तुन आरफ बकई तो महबूब जी मैं जखन्नम दी अग नू याद कीता ते याद करके मैनू रोना आ गया मैं रोन लग पई। वीर सोनिया मदन चक दे रहन वालिया तिरदा गिर तुआन वालिया जान मई ऐशा दरुत बाकी गे बुखारी दी रवायत। फरमाया मा बहिना बैती व मिंबरी रोजा तुम मेरा दिल जन्ना मेरे मिंबर तो ऐशा दे हुजरे तक जगह जन्नत दा टुकड़ा है। वो जदे हुजरे नु पैगंबर जन्नत दा टुकड़ा आखे ओ आग नु याद करके रोवे मैनू तेनू ते दमादा दा भी नहीं पता मैनू तेनू ते भी पता नहीं मेरे तेरे सजदियां दा की बनदा पिया है। पता नहीं रब दी बारगाह अंदर कबूल ने के नहीं कबूल ने मेरे तेरे ते अमाल ही पल्ले जंदर इतने कोई नहीं। असी कदी भी जखन्नम दी अग नू याद नहीं कीता। हजरत अब्दुल्ला बिन रबाहा रजी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन बैठे हुए ने अपने घर अंदर बैठिया बैठिया ताड़े मार करके रोन लग पे। आप नु रोंदिया देखिया ते आप दी बीवी ने भी रोना शुरू कर दिता। आपने फरमाया मेरी बीवी क्यों रोंदी पई है। वो कहंदी है जी मेरे सिर दे ताज मैं तुहानू रोंदिया वेखिया मैं रोन लग पई हां। मैं लाखो अकबर तुसी दसो तुसी क्यों रोंदे पै जे। हजरत अब्दुल्ला बिन रबाहा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने हे मेरी बेगम मैनू बैठिया बैठिया कुरान दी आयत याद आ गई है। जे जंदर अल्लाह फरमा देने वा इमिनकुम इल्ला वारिदुहा वकाना अला रब्बी का हतम मकजिया। पर मैं तुहाडे चो कोई भी नहीं जड़ा जहन्नम दे उतो दी नहीं गुजरेगा। मैं जद इस आयत नु याद करना ते मेरियां चीखा निकल जांदियां ने। मैं अब्दुल्ला बिन रबाहा गुजरांगा ते किवें गुजरांगा मेरे कोलो गुजरिया जा अल्लाह अकबर अल्लाह। सय्यदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एक दिन फजर दी जमात करवा दे पैने और जमात अंदर पर्दियां पर्दे इस मुकाम ते पहुंच गए ने। इन्ना अज़ाब रब्बी का लवाके इन्ना अज़ाब रब्बी का लवाके इन्ना अज़ाब रब्बी का लवाके। हजरत उमर जिया कभी बंदा इंज कंबदा पिया है मुसल्ले ते खलो करके। ओ मैनू दस उमर जिया बंदा एक ऐत पढ़ के कंबे तीस पारे किथे चले जांदे ने। मौलवियां दियां तकरीरां किथे हतम कर जांदे हो कुरान दे तीस पारे किथे ले जांदे हो तीन तीन घंटे दियां तकरीरां किथे समा के बैठ जांदे हो और पूरियां पूरियां रातां दे जलसे किथे चले जांदे ने। इधर पैगंबर दस
सहाबी एक आयत बार बार पढ़ के रोंदा पिया है और जहन्नम तो डरदा पिया है। तू जलसा सुन के शराब दती वे दस तेरा दिल कितना सख्त है। तू जलसा सुन के दाढ़ी मुनावे दस तेरा दिल कितना सख्त है। वो तू तौहीद दा बाद सुन के सैयद ते शाह दे गिट्टे चुमे वो दस तेरा दिल कितना सख्त है। हजरत हसन फरमाते ने सैयद ना खदरा चुमर रोन लग पे चीखा मारन लग पे जिन्ने नमाजी नमाज पढ़ते पैसन हत्ता के पिछलियां सफा अंदर खरोन वाले नमाजियां नु भी पता लग गया। वक्त दा अमीर उमर कुरान पढ़ के रोंदा पिया है ऐतां दियां तिलावतां करके रोंदा पिया है। सैयदना खदरा ते अबू बकर सिद्दीक सब कहो रज़ी अल्लाह رضی اللہ تعالی عنہ روایت بخاری دے اندر ہے سیدنا حضرت ابوبکر کولے کو غلام رہندا ہے جن نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا تے کہانت کردا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے کاہم دی کمائی حرام دی کمائی گے اور جن اپنے پیٹ اندر حرام دا ایک لقمہ ڈالیا گویا نے جہنم دی اگ دا انگارا ڈالیا۔ ایک دن کو مٹھائی لے کر کے آیا ہے حضرت ابوبکر نو کہن لگا جی کھا لو اپنے کنے लुकमा उठा करके अपने मुंदर रखिया ते निकलिया। वो कहंदा जान दे जे मैं कित्थों लै करके आया वा मैं कहानत करना वा मैं झूठ बोलना वा। एक बंदे नूं मैं झूठ बोल के आखिया तेरा काम इंज हो जाएगा वो आते ही हो गया मैं किड़ा कीता उहने मैनूं मठियाई दे दित्ती गे। सैयदना खदरा ते सिद्दीक अकबर दा चेहरा लाल सुरख हो गया है। फरमायो बदबख्ता मैनूं हराम दा लुकमा खवा दित्ता ई मेरे पेट अंदर जखन्नम दा अंगारा ते मैनू हराम दा लुकमा खवा दिता ई। सैयदना खदरा ते सिद्दीक अकबर ने इंज अपनी उंगली नूं अपने मुंदर दाखल कीता लाल सुरख चेहरा खो गया अखां सुरख हो गईयां। बड़ी देर तो बाद कह आईए ओ लुकमा जमीन ते जा गिरिया है। आसमाना वल मुंह उठा करके आखिया अल्लाह तेरा लख वार शुक्र है तू सिद्दीक दे पेट नूं अग तो ते जहन्नम नमदे अंगारे ते हराम तो महफूज कर लिया है। तू आप भी सूद खावे तेरे बेटे भी सूद खावन। 11 महीने बाद एक जलसा करवा के तू मुत्तकी बन जाए और सारा साल तू सूद खाए रमजान ते जुमेराता दिया तारियां करके तू जन्नती चौधरी बन जाए ना। जन्नतें ज नहीं लभ्या करदी जे जन्नतें ज लभदी हुंदी ते सैयदा सुनारा सैयदा समैया सरे बाजार मारिया ना जांदियां। जन्नत इंज नहीं लभदी के बैलिया जलसा सुन लिया ते सुन के घरां च जाके सौं गए ते फजर दी नमाज भी ना पढ़ी। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।